छत्तीसगढ़ में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि अगर आपको वादा निभाने वाली सरकार चाहिए तो रायपुर में आपकी सरकार को चुनना होगा। साथ ही कहा था कि अगर मुझे पैसे ही कमाने होते तो मैं राजनीति में नहीं आता। उनके इस बयान पर पलटवार करते हुए दिल्ली बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा ने उनके झूठ का पर्दाफाश किया। बीजेपी नेता ने पूछा है कि जरा आप ये बताइए कि इनकम टैक्स कमिश्नर कब थे। कपिल मिश्रा ने दिल्ली के सीएम को निशाने पर लेते हुए दावा किया कि अरविंद केजरीवाल जीवन में कभी इनकम टैक्स कमिश्नर नहीं थे, इनकम टैक्स में एक कर्मचारी थे। अब आप कह रहे हैं कि मैं चाहता तो करोड़ों रुपए कमा लेता। क्या आप नौकरी करते तो पैसा कमाते? क्या इनकम टैक्स में आपको केवल भ्रष्ट लोग ही मिले? उन्होंने कहा कि अन्ना आंदोलन से लेकर कल छत्तीसगढ़ की सभा तक उनके द्वारा झूठ बेचा जा रहा है। सच ये है कि केजरीवाल ईमानदारी से नौकरी करते तो आलीशान सीएम आवास नहीं बना पाते। हवाला माफिया और शराब माफिया से दोस्ती यारी कभी नहीं करते। उन्होंने कहा कि अगर इतने ही ईमानदार है तो सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया जेल में क्यों है? आपकी झूठ देश की जनता समझ चुकी है।